सूखे से प्रभावित किसानों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहत दी है और किसानों को लगान नहीं लिया जाएगा, ट्यूबवेल के बिजली बिलों की वसूली भी नहीं की जाएगी और ना ही कनेक्शन काटे जाएंगे। से परेशान किसानों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहत देते हुए यह निर्देश दिया है कि किसानों का लगान स्थगित किया जाए और सभी जिले के जिला अधिकारी 14 सितंबर तक सूखे की स्थिति का सर्वे कर रिपोर्ट शासन को सौंपे। प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ने और कम वर्षा होने से पैदा हुई सूखे की स्थिति से प्रभावित किसानों को सरकार राहत देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सूखे की स्थिति का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण करने के लिए कहा है। उन्होंने सभी जिलाधिकारी को सूखे की स्थिति के बाबत जिले में सर्वेक्षण कराकर 14 सितंबर तक इसकी रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में 65 ऐसे जिले हैं जहां 75% से कम बारिश हुई है, जबकि 45 जिले में 50% बारिश हुई है। इस वर्ष कम बारिश को देखते हुए सरकार ने नलकूपों का कनेक्शन न काटने व लगान को स्थगित करने के निर्देश दिए हैं। नहर में सिंचाई की उचित व्यवस्था के साथ ही किसानों को तिलहन, दलहन व सब्जी के बीज उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। 14 सितंबर तक अगर कोई जिलाधिकारी अपनी रिपोर्ट पेश नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। वहीं मुख्यमंत्री का ये फैसला किसानों के लिए काफी राहत भरा फैसला साबित हो रहा है। सारा समय के लिए लखनऊ से कैमरामैन समीम के साथ संजीव सिंह।